मिस्टर सक्सेना, मिसेस सक्सेना खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी आवाज वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बोल नहीं पाएंगी। हिम्मत रखिए आप। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है? अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो, जाओ सीधा अस्पताल जाओ, किल द मॉल। ठीक है भैया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस प्लीज। हाउ इज मिसेस सक्सेना? मिसेस सक्सेना इज ऑल राइट, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है, इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। मिलकर हमें बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर लेकर आता हूं।
खत्म नहीं हुआ विजय सक्सेना, अब तो अभी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया, भैया ये ले, भैया ये ले जल्दी। आराम से छोटू। छोटे इतना मारा तेरे को, इतना मारा, तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे ऐसे बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा। पर थोड़ा सा वक्त और। जैसा आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी। तुमने तो डरा ही दिया यार, क्या बात है? संजय बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल के आई हूँ। डैडी मेरी शादी होम मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते हैं। पूजा जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। पर उन्होंने मेरी मंगनी की तारीख भी पक्की कर दी है। घबराओ मत पूजा, तुम्हारे डैडी के सामने मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वैसे मंगनी की तारीख क्या है? 12 तारीख उस मिनिस्टर के बेटे की आज ही की बिटिया के साथ सगाई की रस्म होगी। बधाई हो, इतने बड़े फंक्शन में बड़े बड़े लोग होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वहां पर हमारा जाना भी बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? बदला, जब मंत्रियों के साथ साथ वो मिनिस्टर भी हमारी मुट्ठी में होगा, तब दुनिया को जजे की ताकत का एहसास होगा। मगर हमारा वहां जाना नामुमकिन होगा क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जेड क्लास की होगी। जेजे के प्लान के सामने बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी भी नाकाम हो जाती है। नहीं प्रिया, मैं कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब मेरे भाई की मंगनी पर भी नहीं आओगे? वो बात नहीं है प्रिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही कह रही हूँ। विजय आखिर तुम कब तक इस तरह उदास रहोगे? हेलो बॉबी, तुम चाहो तो बॉबी को ले जा सकती हो। तुम आओगे मेरे साथ? चलूंगा। मर गया, रुको रुको रुको, मैं मर गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या कोल्ड ड्रिंक है हवलदार साहब? बेशक चेक कर लीजिए। क्या करो? लेके जाओ।